तुम समस्त वीडियो को स्वागत एपर्यंत आम एपरी चतुर्भुजर अंकन करने शिखिले जार चारोटी बाहू वो गोटे कर्णर दैर्घ्य दत्त थी बा तीनोटी बाहू वो दुईटी कर्णर दैर्घ्य दत्त थी। एही वीडियो रे आमे एपरी चतुर्भुज तैयारी करी शिखिबा जहार दुईटी सन्निहित बाहू वो तीनोटी कोणर मापदत्त थी। आस एही परिस्थिति को एक उदाहरण साहाज्यरे बुझिबा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी अंकन कर जहार बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर सी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कोण बी इक्वल टू 70 डिग्री कोण सी इक्वल टू 80 डिग्री वो कोण डी इक्वल टू 110 डिग्री होइथिबो। एही चतुर्भुजर अंकन पाई तुम्हें जेकोसी बाहर आरंभ करिपारिबो। आमे बाहु बी सी रु आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे एक नमूना आकृति तैयारी कर। बाहु बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर अंकन कर। बिंदु सी उपरे कोण बी सी एम इक्वल टू 80 डिग्री अंकन कर। एबे सी को केन्द्र भाबी 7 सेंटीमीटर व्यासार्धर एक चाप सी एम उपरे अंकन कर। चाप ओ सी एम रो छेद बिंदु को डी रे नामित कर दियो। एबे बिंदु डी उपरे कोण एक्स डी सी इक्वल टू 110 डिग्री अंकन कर। एबे तुम्हें कोण परवर्ती पाद निर्णय करिपारिबो। साबास बिंदु बी उपरे कोण वाई बी सी इक्वल टू 70 डिग्री अंकन कर। एपरी भावे आमे चतुर्भुज ए बी सी डी अंकन कले। आज एही वीडियो रे आमे दुईटी सन्निहित बाहु वो तीनोटी कोणर मापदत्त थिले एक चतुर्भुजर अंकन शिखिले। परवर्ती वीडियो रे आमे एहा उपरे आधारित उदाहरण देखिबा।